हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में शनिवार की व्रत कथा सुनाएंगे। एक समय सभी नौ ग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने के कारण देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र घबरा गया और इस निर्णय को देने में अपने आप को असमर्थ समझा और उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर केवल राजा विक्रमादित्य ही हैं जो अत्यंत न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताएंगे वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सोचा। उन्होंने तरह तरह की धातु के आसन बनवाए। उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण का, चांदी का, कांसे का, पीतल का, सीसे का, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के नौ सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रखा। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। अंतिम सिंहासन पर जो बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है और वह क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा सवा महीना रहते हैं और मंगल डेढ़ महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र एक एक महीना विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी की 7.5 साथी आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो लंका को बंदरों की सेना ने हरा दिया, परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना, ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा के 7.5 साथी आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सबसे बढ़िया घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए कहा। राजा जो ही उस घोड़े पर बैठा, घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और राजा को भीषण वन में छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा वहां पर भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चला। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर उसने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत अधिक हुई। सेठ उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर गया। वहां पर एक खूंटी पर देखा कि एक हार लटका हुआ था, लेकिन राजा के देखते देखते वह खूंटी हार निगल गई। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब राजा के आने के बारे में देखकर तो राजा घबरा गया। उसने सोचा कि सेठ ने सोचा कि बीका ने ही उस हार को चुराया है और उसने कोतवाल को सूचना प्रदान कर दी। कोतवाल आए, राजा ने उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरंगिया बन गया। नगर के बाहर उसे फिकवा दिया गया। वहाँ एक तेली रहता था, उसने उस पर दया दिखाई और बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हांकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। जब जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी उस पर मनमोहित हो गई और उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि जो यह राग गा रहा है मैं उसे ही विवाह करूँगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। तब दासी ने बतलाया कि वह तो चोरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन उठते ही उसने अनशन पर बैठ गई। विवाह करूंगी तो मैं उससे ही करूंगी। उसे बहुतेरा समझाया गया परंतु राजकुमारी ना मानी। राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बतलाया था तो तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा। राजा ने शनिदेव जी से क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगी। हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया वैसे किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, मेरी कथा और व्रत जो करेगा
उसे कोई भी दशा नहीं लगेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। साथ ही राजा के हाथ पैर वापस आ गए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने क्या देखा कि बीका के तो सारे हाथ पैर आ गए हैं। राजकुमारी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव जी का कोप था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सेठ ने उनसे निवेदन किया कि अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं तो आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ के कहने पर राजा उनके घर गए। सेठ ने राजा का बहुत सत्कार किया। तब सभी क्या देखते हैं कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही खूंटी हार उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियां मन भावनी और श्री कवरी को के सहित अपनी नगरी उज्जैन नगरी में गए। वहां सीमा पर ही उनका भव्य स्वागत किया गया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वप्रिय हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव जी की पूजा होने लगी, कथा नियमित रूप से होने लगी। सारे राजा ने बहुत खुशी और आनंद के साथ समय बिताया। जो कोई भी शनिदेव जी की इस कथा को कहता है, सुनता है, उसके सभी दुख शनिदेव दूर कर देते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर मित्रों आपको शनिदेव जी की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।